वेलकम टू न्यू लेसन। अभी कुछ दिन पहले गूगल ने एक नया एक्सटेंशन लॉन्च किया है जिसका कि नाम है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन जो है वो धीरे धीरे एड अकाउंट्स में नजर आने लगा है। जब लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में समझाया था तो ये एड अकाउंट में नहीं आया था, जिस एड अकाउंट से मैं आपको बता रहा था। अब ये मेरे एड अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं इस लेसन में आपको समझाऊंगा अबाउट लीड्स फॉर्म एक्सटेंशन। बहुत ही कमाल का एक्सटेंशन है, अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, मैं इसे टेस्ट करूंगा एंड आई रेकमेंड कि आप लोग भी इसे जरूर टेस्ट करें। तो पहले समझिए कि एक्सटेंशन तो आपको याद ही होगा कि क्या करता है, राइट? जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपकी एड दिखती है, देन ये नीचे कुछ एड एक्सटेंशन दिखते हैं जिसे क्लिक करके यूजर और इन्फॉर्मेशन आपकी एड के बारे में पा सकता है। अब होगा क्या, जैसे आपका बाकी एक्सटेंशन है वैसे ही ये एक्सटेंशन नजर आएगा। जैसे ही ये एक्सटेंशन नजर आएगा, लोग अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर डायरेक्टली यहीं सबमिट कर सकते हैं, और जैसे ही वो सबमिट करेंगे एक थैंक यू मैसेज आ जाएगा जहां पे आपके वेबसाइट का यूआरएल होगा और यहां से लोग आपके वेबसाइट पे जा सकते हैं, राइट? तो बहुत ही कमाल का एक्सटेंशन है। आइए देखते हैं कि कैसे आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं हूँ एड्स एंड कैंपेन के अंदर हूँ, मैं अभी एड अकाउंट के अंदर हूँ। देन यू कैन सी दिस एड्स एंड एक्सटेंशन ऑप्शन, राइट? तो एक काम करते हैं, हम एक कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैंपेन है, सर्च कैंपेन, राइट? और यहाँ पे अगर मैं जाऊं एड्स एंड एक्सटेंशन, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है। अब अगर मैं प्लस करूं, देन यू विल सी दिस एक्सटेंशन लीड फॉर्म एक्सटेंशन, राइट? अब अगर मैं इसे क्लिक करूं तो देखो आपको गूगल दिखा रहा है कि एक्सटेंशन दिखेगा कैसे, राइट? तो सपोज करो आपकी यहाँ पे एड दिख रही है और नीचे ये एक्सटेंशन दिखेगा, जैसे लर्न मोर लिखा हुआ है ना। जैसे ही कोई लर्न मोर पे क्लिक करेगा, ठीक है जी, ये वाला फॉर्म खुलेगा, ये वाला फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी डिटेल डाल देगा, जैसे ही वो अपनी डिटेल डाल देगा यहाँ पे आएगा सबमिशन पेज और यहां से वो आपके वेबसाइट पे आ सकता है या वापस गूगल पे जा सकता है, राइट? तो ऐसे ये लीड फॉर्म सबमिशन काम करेगा। अब आइए इसको एक बार बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल आपसे पूछ रहा है कि इसे कहाँ ऐड करना चाहते हो। कैंपेन में हमने कैंपेन सेलेक्ट किया हुआ है। देन एक्सटेंशन क्रिएट न्यू करना चाहते हो, यूज एक्सिस्टिंग, तो हमने किया हुआ है भैया क्रिएट न्यू। यहां से मैं एक्सटेंशन पे चला जाता हूँ। देन गूगल कह रहा है कॉल टू एक्शन बटन क्या हो। अभी यहाँ पे लर्न मोर है ना, यहाँ पे और चीजें हैं जो आप चाहो तो कर सकते हो, से गेट कोड कर सकते हो आप चाहो तो, देन आप चाहो तो साइन अप कर सकते हो या गेट ऑफर कर सकते हो, है ना। तो जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। से मैं करता हूँ लर्न मोर, और यहाँ पे आप थोड़ा सा और टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं इससे लिख देता हूँ टू नो मोर अबाउट दिस सर्विस, या ये ज्यादा बड़ा हो गया, क्लिक हियर एंड सबमिट योर डिटेल्स, सबमिट योर डिटेल्स। ये देखो ये भी बड़ा हो गया, या क्लिक टू सबमिट डिटेल्स, है ना, क्लिक टू सबमिट डिटेल्स, है ना। अब यहाँ पे ये डिटेल आ गई। अब आपके लीड फॉर्म का हेडलाइन पूछ रहा है, राइट? यहाँ पे हेडलाइन आ रहा है, तो अगेन ये भी देखो बहुत ही छोटा है, फिल द बिलो फॉर्म टू नो मोर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा है साइड में कि एड दिखेगी कैसे, यहाँ पे ये भर देते हैं। देखो बहुत ही कम स्पेस है, फिल द फॉर्म, या फिर इसको छोटा कर देते हैं, फिल दिस, ये बिलो हटा देते हैं, फॉर्म टू नो मोर, ठीक है। और बिजनेस का नाम डाल देते हैं, से मेरे बिजनेस का नाम है ABC क्लोदिंग, ठीक है, बिजनेस का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, बड़ी डाल सकते हो, है ना। तो सबमिट योर डिटेल्स बिलो टू नो मोर अबाउट दिस वन टाइम ऑफर एज सून एज यू सबमिट यू विल गेट, नहीं थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अस एज सून एज यू सबमिट योर डिटेल्स। मोर देन 115 पीपल हैव
ऑलरेडी अवेल्ड दिस ऑफर, ठीक है। देन आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नाम, ईमेल, फोन नंबर, अगर आपको अपना पोस्टल कोड चाहिए वो कहाँ से है, उसका कोड क्या है, तो आप वो भी डाल सकते हो। आपको देन अपने जो भी प्राइवेसी पेज है उसका यूआरएल यहाँ पे डालना है, प्राइवेसी पेज का, है ना। तो से मेरे प्राइवेसी पेज है abc.com/privacy, उसका मैंने यूआरएल डाल दिया। देन आप चाहो तो कोई बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूँ, और या तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ या मैं रिसेंटली यूज्ड कोई भी लगा सकता हूँ, तो कोई मैं रिसेंटली यूज्ड यहाँ से ले लेता हूँ। राइट, ये देखो बैकग्राउंड में इमेज आ गया, और देन आ गया आपका थैंक यू पेज, है ना, ये सबमिशन पेज। अब सबमिशन पेज पे आप और डिटेल लिख सकते हो। राइट, तो से मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। आर टीम विल गेट इन टच विद यू एज सून एज पॉसिबल, मीन वाइल क्लिक द बटन बिलो टू विजिट आर वेबसाइट। राइट, अब यहाँ ऑप्शन है विजिट वेबसाइट, तो यहाँ आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे नन रख सकते हो। अगर आप कोई लिंक नहीं देना चाहते, जस्ट थैंक यू कहना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। बेस्ट है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालो, ठीक है। और देन दैट्स इट, ये हो गया, और आप इसको यहाँ से कर दो सेव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनलोड लीड्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप अपनी लीड्स डाउनलोड कर सकते हो। जो भी लोग फॉर्म भरेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी लीड्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो जी, बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसे एक बार टेस्ट करो, ठीक है। तो ये था आपका नया लीड फॉर्म एक्सटेंशन गूगल सर्च एड्स के लिए, जो गूगल ने लॉन्च किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।